कानपुर आउटर के नरवल थाना के पाली चौकी इंचार्ज का एक नया रूप सामने आया, जहां पर एक विधवा महिला को अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर नागा बाबा की कसम खाओ तो मैं आपका खेत दिला दूंगा। जी हां, गढ़ी के पूर्व प्रधान स्वर्गीय धर्मवीर ने रीत में अपना खेत छोटू पासवान निवासी पाली भोगीपुर की 4 साल से लगभग रीत में दे रहे थे। जब पूर्व प्रधान के स्वर्गवास हो जाने के बाद उनकी पत्नी व बड़े भाई ने छोटू को बुलाकर अब खेत ना जुताने और हम खुद खेती करेंगे, आपका पूरा साल हो गया है, मना करने के बावजूद भी छोटू खेत जोत गया और करवी भी वो दी और एक अप्लीकेशन पाली चौकी में दे दी। पूरा मामला नरवल थाना के पाली चौकी का है, जहां पर विधवा महिला से चौकी इंचार्ज ने बहुत बदतमीजी से बात की। वहीं महिला को पूछताछ के लिए बिना किसी महिला कांस्टेबल के चौकी बुलाया गया और चौकी इंचार्ज द्वारा धमकी देते हुए महिला से कहा गया कि कायदे से रहना नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेज दूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। नाम का है? हाँ, विजय पाल सिंह। ठीक है। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? क्या मामला हो गया था आप जिसके कारण आपको चौकी जाना पड़ा? खेत का मामला था मेरा। कैसा खेत का? वो खेत मतलब मेरा भाई ने मतलब एक बीच में उठाते था तो उसने वो कह रहा था, मैं ब्याज में धरा था 70,000 लोग। मतलब कौन कह रहा था? मेरा भाई धर्मवीर सिंह कह रहे थे, मेरा भाई। अच्छा, प्रधान मतलब प्रधान थे। हाँ। अच्छा, तो क्या कहे थे? चौकी गए थे। हाँ, चौकी गए थे तो वहाँ तो क्या हुआ? वहाँ मतलब वो दरोगा साहब ने बड़ी बदतमीजी बातचीत कर रहे थे, अड़का रहे थे हमको। क्या कह रहे थे? कह रहे तुमको अभी नरवल चलेंगे, तुम्हारे अभी मुकदमा वो लगा देंगे, वो दुनिया के जेल में बंद करवा देंगे, ये सब कह रहे थे हमसे। अच्छा, धमका रहे थे? धमका रहे थे। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? देवेंद्र सिंह, विजय प्रकाश सिंह। विजय प्रकाश सिंह। हाँ। अच्छा, और ये जो आपका खेत है ये किसके नाम पे है? ये राजवीर सिंह और धर्मवीर सिंह के नाम। अच्छा, आपके नाम और आपके भाई के नाम है? भाई के नाम। कितनी खेती है ये? भाई भी गए थे सभी। अच्छा, तो ये खेत जो जोत रहे थे, हाँ, उनसे आपने बताया था कि आप, मैं खेत जोतूंगा, आप लोग नहीं जोतेंगे, ऐसा कुछ जानकारी उनको दी थी आपने? उनको बुलवाया गया था। हाँ, मतलब तुमसे कहा था, गया था कि अगर आपने धरा था तो आपके पास लिखा पढ़ी कुछ दिखाइए खेत की, मतलब जो आप कह रहे थे, तो कह रहे हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा। तो पहले हमने खेत जोतवा दिया था तो उन्होंने फिर दोबारा ने करबी बन, फिर उन्होंने नई देखी थी उनकी, फिर बाजरा बन, तो हमने छोटा मा जोतवा दिया था उसको। मतलब तो आपका खेत था, आपने जुतवा दिया? हाँ, जुतवा दिया। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, अप्लीकेशन दे दिया चौकी? अप्लीकेशन ने दिया। तो चौकी में आपको बुलाया गया था? हाँ, चौकी बुलाया गया था। अच्छा, आप ही बुलाया गया था कि और किसी को भी बुलाया गया? भाई की वाइफ को बुलाया गया था। उनको किस वजह से बुलाया गया था? खेत के वही। अच्छा, तो क्या वहाँ पे कोई महिला कांस्टेबल थी या कोई सिपाही या दरोगा जिन्हें? महिला नहीं कोई थी। तो कौन पूछताछ कर रहा था? दरोगा साहब ने। तो दरोगा साहब किस तरह से बिहेव करके पूछे थे? वो बदतमीजी कर रहे थे, मारा अटका रहे थे, मतलब बहुत तेज बात कर रहे थे। आपकी भाई के वाइफ को? हाँ। बदतमीजी से बात कर, हाँ, रहे थे? कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी वहाँ? नहीं थी वहाँ पर। अच्छा, क्या कह रहे थे, कुछ बता सकते हैं आप? यही अटका रहे थे, मतलब वो कसम खाओ अपना, वो मतलब खेत का मतलब वो पैसे का मतलब वो तुम्हारा वो है तो कसम खाइए नागा बाबा में। अच्छा, आपने ये बताया नहीं कि ये सरकारी मामला है, यहाँ पे कसमों के मुद्दे नहीं रखते हैं, कागज मायने रखते हैं। नहीं, हमने तुझे नहीं बताया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? रेखा सिंह। कौन से गांव की हैं आप? गढ़ी। क्या मामला हो गया है आपका?
हमारे खेत का विवाद चल रहा, खेत हमारा था और किसी को रीत पर दिया गया था, हर साल दिया जाता था, और जब हम खेत जुतवाने गए तो वहाँ पर हमें रोक दिया गया, बोले कि उन्होंने कर्जा लिया हुआ था हमारे। किसने रोका था? उसका छोटू पासवान। अच्छा, ये कहाँ के निवासी हैं? ये पाली के रहने वाले हैं। तो जो ये खेत है वो आपके नाम पे है? हाँ, खेत इस टाइम प्रेजेंट टाइम में हमारे नाम पर है। तो आप जो तो आने गई थी तो क्यों रोका था, कुछ बताया आपको? हाँ, बोल रहे थे कि उन्होंने 70,000 रुपए लिए हैं, और हमारे हस्बैंड ने हमें बताया नहीं था कि मतलब हमने कर्जा लिया हुआ है, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, वो लगभग कितने दिनों से खेत जोत रहे, कितने सालों से? अब हमें ये जानकारी नहीं है, क्योंकि खेत तो 4 सालों से दिया गया है, मतलब हर साल रीत पर दिया जाता है। अब हमें ये नहीं पता था कि वो कर्जे पर दिया गया कैसे है, अब वो जो बता रहे हैं वो हमें पता चला है। तो आज आपको चौकी किस कारण जाना पड़ा? उन्होंने वो एप्लीकेशन लगा दिया था। तो किसने लगाया था एप्लीकेशन? एप्लीकेशन छोटू ने लगाया था, छोटू पासवान। आप जब चौकी गए तो वहाँ पे क्या पूछताछ हुई या क्या हुआ था? वहाँ पर पूछताछ की गई तो हमने कहा, उन्होंने कहा कि हमने 70,000 रुपए दिए थे और तब हम खेत जोत रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि हमारे हस्बैंड ने हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी कि हम खेत मतलब आपको दिए हुए हैं, आपसे पैसे लिए हुए हैं। तो वहाँ पर जो दरोगा जी थे उन्होंने कहा कि आप कसम खा लीजिए। कैसी कसम? कि अपने बच्चे के सर पर हाथ धर रख कर मंदिर में कसम खा लो कि। कौन से मंदिर पे? नागा बाबा। अच्छा, वहाँ जाकर कसम खा लीजिए आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रख कर कि इन्होंने मतलब पैसे नहीं दिए हैं तो ये खेत छोड़ देंगे। हमने कहा कि ठीक है, चलिए, जब हमारी नॉलेज भी नहीं है तो हम कसम खा लेते हैं। तो आपने कसम खाई थी? हाँ, कसम हमने खाई थी। तो आपने अधिकारी जो थे पुलिसकर्मी, आपने ये नहीं बताया उनको कि क्या ये कोई भगवान का मंदिर या माना जाए कि पुलिस चौकी माना जाए जहाँ पे कागजों के कार्रवाई होती है, या मंदिरों के भगवान के विश्वास पे चल रहा है? हमने यही कहा था, हमने कहा कि वैसे तो कोर्ट कचहरी के मामले में सबूत और गवाह मांगे जाते हैं, ये पहली बार हमने सुना है कि मंदिर में कसम खाने के बाद में मतलब मामला रफा दफा किया जा सकता है। आपसे किस टाइम बदतमीजी से बात की थी या कैसे बात की थी? काफ़ी रूडली बात किया था उन्होंने बदतमीजी के साथ में कि आप जाइए कसम खा लीजिए, यहीं से मामला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहीं से मामला ख़त्म हो जाएगा ऐसा? हाँ, कहा था ऐसा? किसने कहा था? दरोगा जी ने कहा था। दरोगा जी का नाम पता है आपको? जी, चौकी इंचार्ज अजय विजय शायद नाम है उनका। चलिए, ठीक।